इस शिप में चढ़कर काईजी अपनी किस्मत आजमाते हैं। कौन है काईजी? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको 2009 की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसका टाइटल है काईजी द अल्टीमेट गैम्बलर। आगे स्पॉयलर्स, ध्यान रखें और ख्याल रखें। इस शहर में एक तूफानी रात है जब वेल्थी सोशलाइट और फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म टेई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष काजुटाका हायोडू ने अपने कर्मचारियों से पूछा कि मनुष्य को परम शक्ति क्या देती है। उनके पास उसके लिए कई जवाब हैं, जैसे मिलिट्री पावर और मार्केट डोमिनेंस। रिंको एंडो को डांटा जाता है जब वो जवाब में पैसा बोलती है, क्योंकि यह बेबुनियादी है। असली बात यह है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। हालांकि युकियो टोनेगावा की उसके बॉस ने यह जवाब देने के लिए प्रशंसा की है कि सत्ता के पास वित्तीय ताकत है जो आपके अपने राज्य का निर्माण कर सकती है, जैसे कि एक फॉलआउट शेल्टर। वो यह भी बताते हैं कि जापान निराशाजनक युवाओं से भरा है जो निर्माण के लिए लेबर के रूप में काम करेंगे। कुछ समय बाद काईशी इटो अपनी सामान्य दिनचर्या से गुजर रहा है। वो सुविधा स्टोर में कैशियर के रूप में अपने काम पर बहुत उबाऊ दिन बिताता है और घर के रास्ते में वो सभी को श्राप देता है सफल होने के लिए। उसके चारों ओर अमीर कारें हैं क्योंकि वे टैक्सेस से बचते हैं, न कि इसलिए कि वे कड़ी मेहनत करते हैं। जब वो मर्सिडीज को लात मारता है तो बॉडीगार्ड्स का एक समूह उसका पीछा करता है और उस कार से रिंको भी निकलता है, जो उसे बात करने के लिए एक ऑफिस में ले जाता है। कुछ साल पहले काईजी ने एक दोस्त के गारंटर बनने के लिए एक लोन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, और चूंकि वो दोस्त गायब हो गया है, अब कर्ज चुकाना उसका दायित्व है। मामले को बदतर बनाने के लिए 300,000 येन की मूल राशि अब हितों के कारण 2 मिलियन का कर्ज बन गई है, न कि कार के नुकसान की बात करने के लिए। चूंकि वो उस राशि का भुगतान नहीं कर सकता, रिंको उसे एक सौदा करने के लिए कहता है। एक जुआ क्रूज है जिसमें वो भाग ले सकता है, जो उसके जैसे टूटे हुए हारे हुए लोगों से भरा हुआ है, और यदि वो जीत जाता है तो उसका कर्ज माफ हो जाएगा। रिंको द्वारा उसे भाषण देने के बाद कि उसका जीवन कितना भद्दा है और यह फिर से शुरू करने का एकमात्र अवसर है, काईशी स्वीकार करता है। बाद में शाम को, जबकि रिंको कंपनी में काईशी के प्रोफाइल में यह मेंशन करती है कि उसने अपना कोटा भर दिया है, काईशी क्रूज पर चढ़ जाता है जो वास्तव में टूटे हुए हारे हुए लोगों से भरा होता है। युकियो होस्ट है और वो खेल के नियमों को एक्सप्लेन करेगा जो वे आज रात खेलेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को 1% प्रति मिनट के ब्याज के साथ 300,000 येन स्टार्स दिए जाते हैं। यदि कोई जीतता है तो कंपनी न केवल कर्ज को मिटा देगी, वे स्टार्स को भी वापस खरीद लेंगे। खिलाड़ियों को 12 रॉक पेपर सीजर कार्ड भी दिए जाते हैं, जिनका उपयोग वे हमेशा की तरह खेल खेलने के लिए करेंगे। हर बार जब वे एक राउंड जीतते हैं तो उन्हें अपने ओपोनेंट से एक स्टार मिलता है। जीतने के लिए उन्हें अपने सभी 12 कार्डों का उपयोग करना होगा और 30 मिनट के बाद कम से कम 3 सितारे होने चाहिए। किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं है, और युकियो द्वारा उन्हें बच्चा कहने के बाद वो चला जाता है ताकि वे खेलना शुरू कर सके। सभी खिलाड़ी एक ओपोनेंट को खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं और काईशी को जॉर्जी फनाई द्वारा संपर्क किया जाता है, एक आदमी जो एक लड़ाई को रोकने का प्रस्ताव करता है। यदि वे एक ही कार्ड खेलते हैं और ड्रॉ का कारण बनते हैं तो वे किसी भी स्टार्स को नहीं खोएंगे और जल्दी से अपने कार्ड से छुटकारा पाएंगे, उन्हें आसान रास्ता दे रहे हैं। काईशी स्वीकार करता है और खेल सामान्य रूप से शुरू होता है, जिससे दोनों खिलाड़ियों को बिना किसी समस्या के अपने कार्ड खोने में मदद मिलती है। लेकिन अंतिम समय में फनाई ने काईशी की पीठ में छुरा घोंप दिया और ड्रॉ के बजाय जीतने के लिए खेल कर उसे 2 स्टार से बाहर कर दिया, जिससे उसके पास सिर्फ 1 स्टार और 1 कार्ड रह गया। गुस्से में काईशी अपना कार्ड गिरा देता है और फनाई को घूंसा मारता है, जिससे फर्श और कार्ड पर भी खून बहने लगता है। सिक्योरिटी उन्हें जल्दी से अलग कर देती है, लेकिन जल्द ही एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। फनाई सभी को बताता है कि काईशी का आखिरी कार्ड कैंची है, इसलिए हर कोई एक आसान स्टार के लिए उसके पीछे जाएगा, और काजी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि फनाई के पास केवल रॉक बचा है। हर कोई इस पर बहस करना शुरू कर देता है कि यह पॉसिबली एक चाल है या नहीं, और उन्हें अचानक एक गार्ड द्वारा इंटरप्ट किया जाता है जो काईशी इशिदा को खेल में वापस लाता है। जब वह शौचालय के नीचे अपने कार्ड फ्लश करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नियमों के खिलाफ है, घड़ी में 10 मिनट बचे हैं, फनाई अपने लेटेस्ट आइडिया की घोषणा करने के लिए इस क्षण का लाभ उठाता है, एक फेरबदल करके। इस तरह से कोई भी एक दूसरे के कार्ड को नहीं जान पाएगा। काजी समेत हर कोई स्वीकार करता है क्योंकि उसके पास एक योजना है। फनाई सभी कार्ड लेता है, उन्हें फेरबदल करता है, फिर प्रत्येक खिलाड़ी को वही अमाउंट वापस देता है जो उनके पास पहले थी। काईशी फिर से खून के धब्बे के साथ कार्ड प्राप्त करता है और 3 स्टार्स के लिए 1 कार्ड मैच पर फनाई के खिलाफ खेलने के लिए इशिदा के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। फनाई को यकीन है कि वो जीत जाएगा क्योंकि वो काईशी का आखिरी कार्ड जानता है,
लेकिन काइशी को इसकी उम्मीद थी और वो उसे आसानी से हरा देता है। यह उसकी पूरी योजना थी। यह जानते हुए कि फनाई ने ब्लड के निशान पर ध्यान दिया होगा, काइशी ने इशिदा के कार्डों में से एक लिया और उस पर खून मिलाकर इसे अपने स्वयं के दागदार कार्ड के रूप में पारित करने के लिए फनाई को गलत खेलने के लिए धोखा दिया। फनाई के स्टार्स को आपस में बांटने के बाद उन दोनों के पास तीन है। काइशी और इशिदा कोशिश करके अपना अंतिम कार्ड खेलते हैं और जीतते हैं, या कम से कम यही वे सोचते हैं, क्योंकि जब वे जश्न मनाने के बीच में होते हैं तो इशिदा को अपनी जेब में एक कार्ड मिलता है जिसे वो भूल गया था। क्योंकि काजी टीम अब के अपने वादे पर कायम है और कार्ड को अपना भी स्वीकार करता है, दोनों हार जाते हैं। हायोडू के राज्य के निर्माण के लिए उन्हें जबरन श्रम में गहरे अंडरग्राउंड काम करने के लिए ले जाया जाता है। हालात भयानक हैं, घंटे लंबे हैं, उनके पास ब्रेक्स नहीं है, उनका भोजन भी बिल्कुल बेसिक है और वे सभी फर्श पर सोने के लिए एक बहुत ही छोटी सी जगह में एक साथ चारपाई पर सोते हैं। वे अपने कंधों पर एक माइक्रोचिप के साथ ब्रांडेड भी हैं ताकि वे बच न सके, और उनका वेतन दया करने योग्य है। यह येन में भी नहीं है, उन्हें पेरिकर नामक अपनी मुद्रा में भुगतान किया जाता है जो केवल अंडरग्राउंड माने जाने योग्य है। यह एक येन के दसवें हिस्से के लायक है, जिससे काइशी का वेतन 350 येन प्रति दिन हो जाता है, जो लगभग $3 है। जितना कम हो सकता है, काइशी अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पैसे बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन जल्द ही टेम्पटेशंस आती हैं। बियर और स्वादिष्ट चिकन भोजन पेश करने वाली गाड़ी। वो पहले तो ऑफर को ठुकरा देता है, लेकिन जब फॉर्मन उसे अपनी पहली बियर के लिए एक मुफ्त बियर उपहार में देता है और मीठे शब्दों में फुसफुसाता है कि सब कुछ कितना स्वादिष्ट है, तो काइशी सख्त रूप से देता है और अपना लगभग सारा पैसा स्नैक्स और अधिक बियर पर खर्च करता है। ज्यादातर कर्मचारी ऐसा ही करते हैं और इसी तरह कंपनी उन्हें सालों तक वहां मुफ्त में काम पर रखती है। अगले दिन एक भूकंप उनके वर्किंग एरिया को हिला देता है और इशिदा को चोट लग जाती है। काइशी उसे अस्पताल ले जाने के लिए जल्दी करता है, जहां उसे पता चलता है कि अधिकांश पेशेंट्स का इलाज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर उन्हें दवा चाहिए तो उन्हें पेरिकर के साथ भुगतान करना होगा। वहां वे माकोटो सहारा से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि उन्होंने फोरमैन को उनका मजाक उड़ाते हुए सुना और बताया कि सिस्टम को कैसे विफल करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे उम्मीद खोने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे जल्द ही ब्रेव मैन रोड के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे। अगली बार जब स्नैक्स गाड़ी आती है तो काइशी फोरमैन को उसकी चालबाजी के लिए बुलाता है और अपने सहकर्मियों को एक सपने से जागने के लिए कहता है जो कभी नहीं होने वाला है। उनका तर्क बाधित हो जाता है जब कुछ गार्ड सहारा को लेने आते हैं, क्योंकि उसे ब्रेव मैन रोड के लिए चुना गया है, एक बहुत ही खतरनाक खेल जहां जीत आपको आजादी देती है लेकिन हारने से आपकी जान चली जाती है। जोखिम लेने के लिए तैयार काइशी वॉलंटियर्स को भी जाने के लिए, और इशिदा भी उनके साथ जुड़ जाता है। सभी चुने हुए खिलाड़ियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वे अपने डेस्टिनेशन पर जाते समय अपने हाथ बांध लेते हैं। हालांकि काइशी बता सकते हैं कि उन्हें एक वाहन और फिर एक लिफ्ट में रखा जा रहा है। जब उन्हें अंततः फिर से देखने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वे एक स्काईस्क्रेपर की छत पर हैं और युकियो फिर से नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए है। प्रत्येक खिलाड़ी को 10 मिलियन येन का वाउचर दिया जाता है और इसे यूज करने के लिए उन्हें ब्रेव मैन रोड को पार करके सड़क के उस पार होटल में जाना होगा, जिसमें दो नैरो बीम्स होते हैं। वे उन पर रेंग भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें कट लग गया है। संतुलन बनाए रखते हुए चलना ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा नियम खेल को कठिन बनाने के लिए है, लेकिन अधिक इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसे रियलिटी एंटरटेनमेंट के रूप में सोशलाइट्स के एक समूह में ट्रांसमिट किया जा रहा है। खिलाड़ी पहले तो बहुत डरते हैं, लेकिन जब काइशी भाग लेने के लिए स्वीकार करते हैं तो वो दूसरों को भी शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। युकियो वापस उस होटल में जाता है जहां वो और रिनको उन सोशलाइट्स की होस्टिंग करेंगे जो खेल देख रहे हैं। इस बीच काइशी सभी के जूतों पर रेखाएं खींचते हैं ताकि वे उन्हें बीम के बीच से अलाइन कर सके और बेहतर संतुलन बना सके। ग्रुप धीरे धीरे बीम के पार अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है और काइशी लगभग फिसल जाता है, लेकिन सबसे खराब होने से पहले वो अपना संतुलन ठीक कर लेता है। लेकिन जल्द ही हर कोई घबरा जाता है जब बिजली का एक बोल तूफान का वादा करते हुए पास में टकराता है। खिलाड़ियों में से एक जारी रखने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन सहारा ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, इसलिए वो फिसल कर गिर गया, बिजली का झटका लगा और बीम से गिर रहा है। यह हार तुरंत सभी के मनोबल को कम करती है और एक एक करके खिलाड़ी अपनी मृत्यु के लिए गिरते हैं, जब तक कि केवल काइशी, सहारा और इशिदा ही बचे हैं। प्रत्येक गिरावट को देखने वालों द्वारा मनाया जाता है जैसे कि यह एक स्पोर्ट्स मैच में प्राप्त अंक था, जो रिनको से घृणा करता है। तूफान जल्द ही खिलाड़ियों तक पहुंच जाता है, और जब सहारा और काजी ने हार मानने से इनकार कर दिया तो इशिदा ने स्वीकार किया कि उसका समय आ गया है। वो काइशी को अपना वाउचर देता है, उसे नकद करने और अपनी बेटी को पैसे भेजने के लिए कहता है।
और जैसे ही काजी मुड़ता है, इशिदा अपने दोस्त को घबराहट से बचाने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से चुप रहने देता है। धीरे धीरे लेकिन यकीनन सहारा और काइशी बीम को पार करते हुए होटल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन काइशी को चिंता होती है जब वो हायोडू को एक खिड़की से देखता है। उनका सहज ज्ञान सही है, उनके लिए एक अंतिम चाल है। जब सहारा दरवाजा खोलता है तो वो हवा के दबाव में अंतर और गिरने के कारण एक विंड ब्लास्ट से टकरा जाता है। काइशी भी फिसल जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ने और वापस चढ़ने का प्रबंधन करता है। दरवाजे के माध्यम से इमारत में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है और बहादुर मेन रोड पर जीतने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है। हायोडू इसके लिए काइशी को बधाई देता है और युकियो को अपने राज्य में इस तरह के एक महान शो प्रदान करने के लिए नागरिकता प्रदान करता है। काइशी भुगतान की मांग करता है, लेकिन वो जो समाचार सुनता है वो बहुत अच्छा नहीं है। इशिदा का वाउचर इनवैलिड है क्योंकि वो मर चुका है और 10 मिलियन काइशी जीतता है। वे उनके द्वारा दिए गए कर्ज पैसे को ले लेंगे और शव उसके पास जो कुछ बचा है वो 750,000 येन, लगभग $7,000 है। कम से कम उसके पास अपनी आज़ादी है, लेकिन वो अभी भी गुस्से में है कि वो इशिदा की बेटी को पैसे नहीं भेज पाएगा। इसलिए वो युकियो को मुक्का मारने की कोशिश करता है, केवल गार्ड द्वारा रोक दिया जाता है। हायोडू उसके रवैये से प्रभावित है, इसलिए वो काइशी को एक और खेल खेलने का एक आखिरी मौका देता है। खेल को एक आज कहा जाता है और उसका ओपोनेंट खुद युकियो होगा। प्रत्येक खिलाड़ी को 5 कार्ड मिलते हैं, 4 नागरिक और या तो एक सम्राट या एक स्लेव। गेम प्ले सरल है। स्लेव टीम पहले एक कार्ड चुनती है और उसे टेबल पर नीचे की ओर रखती है, फिर सम्राट टीम अपने कार्ड के साथ जवाब देती है। जब कार्ड प्रकट होता है, वे तय करते हैं कि एक साधारण नियम का पालन करके कौन जीतता है। सिटीजन वीएस सिटीजन एक ड्रॉ है। सिटीजन दास को मारता है, सम्राट सिटीजन को मारता है और स्लेव एम्परर को हराता है। बेतरतीब ढंग से कार्ड डालने की अनुमति नहीं है। काइशी को उन्हें देखना चाहिए और उसी के अनुसार चुनना चाहिए। 3 राउंड होंगे और बेट 10-1 होगी, जिसमें 10 स्लेव साइड होंगे। यही कारण है कि काइशी स्लेव के रूप में खेलना पसंद करता है, भले ही वो नुकसान में हो। उसे पहले खेलना होगा, उसका राइवल उसके एक्सप्रेशन को पढ़ने में सक्षम होगा और स्लेव के जीतने की संभावना 1/5 है। यह मैच इतना महत्वपूर्ण है कि वे इसे अंडरग्राउंड टीवी पर भी दिखा रहे हैं। काइशी 2 नागरिकों की भूमिका निभाकर शुरू करता है, 2 ड्रॉ प्राप्त करता है, लेकिन जब वो दास की भूमिका निभाता है तो युकियो तुरंत उसे बता सकता है और उसे हरा सकता है। हायोडू निराश है कि यह इतनी जल्दी समाप्त हो गया है, इसलिए वो काजी को कुछ पैसे उधार देता है ताकि वो फिर से खेल सके। इस बार युकियो को देखता है और महसूस करता है कि वो बदले में उसकी ओर नहीं देखता है या अपने स्वयं के कार्ड भी नहीं देखता है, जो बहुत अजीब है। वो पहले दास को एक आश्चर्यजनक रणनीति के रूप में भेजने का फैसला करता है, लेकिन एक बार फिर युकियो बता सकता है कि उसने वो कार्ड खेला है और आसानी से उसे हरा देता है। जैसे ही गार्ड काइशी को दूर ले जाने के लिए आते हैं ताकि वो हार जाए, काइशी ने देखा कि युकियो ने एक अलग घड़ी पहन रखी है। बाहर जाने पर काइशी अपने दिमाग में खेल के बारे में सभी डिटेल्स को रिव्यू करना शुरू कर देता है। यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह कैसे तय किया गया है। जब रिंको उसका मजाक उड़ाने के लिए आता है और उसे एक ब्रांडेड लूजर कहता है, तो काइशी को पता चलता है कि उसकी बांह पर माइक्रोचिप इस सब की है। युकियो ने एक घड़ी लगाई है जिससे वो काजी के वाइटल्स को पढ़ सकता है और इसलिए वो जान सकता है कि कब वो एक कठिन कार्ड खेलता है। काइशी रोना और एक सीन क्रिएट करना शुरू कर देता है, यह सोचकर कि वो अपना पूरा जीवन अंडरग्राउंड बिताएगा। लेकिन जैसा कि अब तक सभी में इस्तेमाल किए गए सभी तरकीबों को याद करता है, वो एक योजना के साथ आता है। सबसे पहले वो जाने से पहले बाथरूम जाने की अनुमति मांगता है। एक बार वहाँ वो रिंको को यह जानकर फोन करता है, वो दरवाजे पर इंतजार कर रही है। फिर वो उसे अपनी योजना के बारे में बताता है और उसे एक बार फिर खेलने के लिए 50 मिलियन येन उधार देने के लिए मना लेता है, यह दावा करते हुए कि वो उसे अंदर से जानता है कि वो एक अच्छी इंसान है। रिंको सहमत हो जाता है और उसे वापस गेम रूम में ले जाता है, जहां हायोडू इस आश्चर्य से प्रसन्न होता है और युकियो को फिर से काइशी के खिलाफ खेलने का आदेश देता है। इससे पहले कि वे शुरू करें, काइशी 1-2 बार आईने के खिलाफ अपना सिर मारता है, इसलिए उसकी नब्ज हर समय युकियो की घड़ी पर मैड नंबर्स दिखाती है। टेबल से वो 3 कार्ड लेता है और उन्हें अपनी गोद में छुपाता है, लेकिन फिर एक बदल देता है जबकि युकियो नहीं देख रहा है और टेबल पर शेष 2 कार्ड उन पर खून के धब्बे के साथ समाप्त होते हैं जब काजी अपना सिर हिलाता है। खेल शुरू होता है और अपने जीवन में पहली बार युकियो घबराया हुआ और अनिश्चित है, क्योंकि वो अब घड़ी पर भरोसा नहीं कर सकता। वे जो पहला कार्ड खेलते हैं वे सिटीजन होते हैं, इसलिए यह ड्रॉ होता है। लेकिन दूसरा दौर तब होता है जब चीजें दिलचस्प हो जाती हैं।
काजी उस पर खून के धब्बे के साथ एक कार्ड खेलता है। युकियो को याद है कि ब्लीडिंग होने पर टेबल पर बचे दो कार्ड गुलाम और एक सिटीजन थे, इसलिए वो उस 50-50 मौके के लिए एक नागरिक की भूमिका निभाता है। काइशी का कार्ड भी एक नागरिक है, इसलिए यह एक और ड्रॉ है। लेकिन युकियो अब आश्वस्त हो गया है, इसका मतलब है कि अगला खून से सना हुआ कार्ड गुलाम होगा। एक और सिटीजन ड्रॉ के बाद वे दो कार्ड से पीछे हैं और काइशी दूसरे खून से सने कार्ड से खेलता है। इसे दास मानते हुए युकियो एक नागरिक की भूमिका निभाने वाला है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि काइशी ने खून देखा होगा तो वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि यह वही चाल है जिसका उसने वापस क्रूज पर इस्तेमाल किया था। वो यह भी महसूस करता है कि उसने पहले तीन लेने के बाद काइशी को कार्डों में से एक को स्वैप करते देखा, जिसका अर्थ है कि टेबल पर अब भी एक सिटीजन है और यह सब एक चाल है। अपने निष्कर्ष पर विश्वास करते हुए युकियो सम्राट की भूमिका निभाता है। केवल दिन का सबसे बड़ा झटका पाने के लिए काइशी ने दास की भूमिका निभाई है, इसलिए वो खेल जीतता है। जैसा कि भूमिगत कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हैं, काइशी बताते हैं कि उन्होंने कभी कार्डों की अदला बदली नहीं की, उन्होंने केवल नाटक किया। हायाओडू युकियो के साथ उसे बहुत सारा पैसा खोने के लिए क्रोधित हो जाता है, इसलिए उसे अपने छड़ी से मारने के बाद वो राज्य में अपनी सिटीजन रद्द कर देता है और उसे अपने शेष जीवन के लिए भूमिगत काम करने के लिए भेजता है। अगले दिन काइशी और रिंको दोपहर के भोजन का जश्न मनाते हुए पैसे बांटते हैं, लेकिन अचानक काइशी की बेहोश हो जाता है क्योंकि रिंको ने उसके ड्रिंक में कुछ डाल दिया है। जब वो बाद में उठता है तो पैसे के बैग साथ और रिंको खुद चले गए हैं, लेकिन वो एक पत्र छोड़ गई है जिसमें बताया गया है कि उसने पैसे ले लिए हैं क्योंकि काजी ने लोन पर प्रति मिनट ब्याज और कार के नुकसान के भुगतान के बारे में नहीं सोचा था। वो अभी भी उस पर बकाया है। अंत में उसके पास केवल 450,000 येन, लगभग $4,000 बचा है। जब रिंको अपनी कार में भाग जाता है और अपनी कंपनी को खिड़की से बाहर फेंक देता है तो काइजी घबरा जाता है, अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद लेता है और स्वीकार करता है कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। कुछ समय बाद ईशिदा की बेटी को 450,000 येन और उसके पिता के गेम वाउचर के साथ एक गुमनाम लिफाफा प्राप्त होता है।